नमस्कार युवा साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी से क्लासेस जब भी आपके लिए वीडियोस बनाता है वह आपकी जिंदगी के लिए रामबाण साबित होती है। दोस्तों, एक खबर आ रही है जो आप भी इस खबर को लेना चाहते थे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की बात कर रहा हूं। अगर किसी भाई बहन ने नॉर्थ ईस्ट सर्किल से फॉर्म डाला है और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश डिविजन के अंदर फॉर्म डाला है, तो उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहेगी। बैड न्यूज आ रही है दोस्तों, गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है। लेकिन अगर आप अभी से क्लासेस का साथ दोगे, अगर आप मेरे साथ आ जाओगे, तो इस बैड न्यूज को मैं गुड न्यूज भी बना सकता हूं आपके लिए, वो अंत में बात करेंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जो लोकल यूट्यूबर्स चैनल है, यानी कि वहां के जो स्थानीय यूट्यूब चैनल है एंड वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने साफ साफ वीडियो बनाकर बोल दिया है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों, चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं के भी हो, अरुणाचल प्रदेश में नहीं आना। बेमतलब में आपका खर्चा हो जाएगा, ट्रेन का आने जाने का खर्चा हो जाएगा, आपको यहां प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये उन्होंने पहले ही चेतावनियां दे दी है। अगर आपका भी अरुणाचल प्रदेश से पहली मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। दोस्तों, इन्होंने तो अभ्यर्थियों से साफ साफ मना कर दिया है, उसके बाद वहां का जो भी लोकल अधिकारी है अरुणाचल प्रदेश का, उसको भी लेटर लिख दिया है और लेटर में कह दिया है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बनाने आए तो उनको सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, और अगर सर्टिफिकेट बनाते हो तो एसटी का सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए, यानी कि वहां लोकल कास्ट सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए। आप लोगों के पास अरुणाचल प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर आपका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में, तो पंगा हो चुका है। अगर आपका जनरल से सिलेक्शन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपके लिए बैड न्यूज नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस सर्टिफिकेट की अगर बात करूं तो यह नोटिफिकेशन में भी साफ साफ बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश से जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 23 भाषाएं हैं, इन 23 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, एक भाषा का सर्टिफिकेट अभ्यर्थी के पास बना होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बताई है, उसमें भी साफ साफ बोल दिया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कि अरुणाचल प्रदेश लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट अभ्यर्थी के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी रूप से होना चाहिए। चलिए दोस्तों, और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बात करता हूं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश से 1052 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कितने बच्चों का हुआ है? 1052 बच्चों का। इन 1052 बच्चों में 99% बच्चे बाहरी राज्य के हैं, जिनकी परसेंटेज है 70%, 80% और 90%, इनका पहली लिस्ट में नंबर आया है। बात करता हूं 1% बच्चों की, ये वहां अरुणाचल प्रदेश के ही है, कहीं ना कहीं इनकी परसेंटेज 50% है, 60% है, और ज्यादातर ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी है जो अरुणाचल प्रदेश के लोकल है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि बाहरी राज्य के बच्चों ने कहीं ना कहीं उसकी सीटों पर कब्जा किया है। क्यों किया है? ये वहां के स्थानीय लोगों का भी कहना है, वहां के यूट्यूब चैनलों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से जिसने 10वीं पास किया है, उसकी अधिकतम परसेंटेज अगर देखी जाए तो मात्र 60% है। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश की लिस्ट हमने देखी, तो उस अरुणाचल प्रदेश की लिस्ट में
70-80-90% बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे डिविजन्स के नहीं है, ये बाहरी राज्य के अभ्यर्थी है, ये हमारे बच्चों की सीटें छीन रहे हैं। क्योंकि हमारी बच्चों की सीटें अगर ये नहीं छीनते तो हमारे स्थानीय बच्चों का 50-60% पर भी सिलेक्शन हो जाता, ये उनका कहना है। और ये दोस्तों उनका कहना सच है, गलत नहीं है। प्यारे साथियों, अब कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट को लेकर आप कहोगे सर सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब होगी, तो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी अरुणाचल प्रदेश लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि आपने अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह अपने ही डिवीजन अपने ही बीओ के अंदर चॉइस किया है, तो किसी किसी भाई ने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह अरुणाचल प्रदेश ही चुन ली है गलती से, तो उनको अरुणाचल प्रदेश जाना होगा, उनको पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। वैसे दोस्तों लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पढ़ने वाली है, अभी फर्स्ट डीवी में नहीं पढ़ने वाली। दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कराना है और अरुणाचल प्रदेश से ही इस बार जीडीएस की नौकरी लेनी है तो मेरा साथ देना पड़ेगा। आज मैंने ये बैड न्यूज दी है, एक दिन ऐसा आएगा कि इस बैड की जगह गुड लिखाई देगा बोर्ड पर, क्योंकि मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है, यह जीडीएस की भर्ती सेंट्रल लेवल है न कि स्टेट लेवल। यहां पर नोटिफिकेशन में यह नहीं बोला कि यहां का स्थानीय कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नोटिफिकेशन में केवल यही कह रखा है कि 23 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब प्रैक्टिकली वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन उस भाषा को बोल रहा है, कौन उस भाषा को अच्छे से पढ़ रहा है। प्यारे साथियों, अगर आपको भी कहीं ना कहीं इस तरीके की खबर मिलती है तो उस खबर को मुझे शेयर करें। मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं अरुणाचल प्रदेश से नहीं हूं, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से होता तो मैं भी आज आपके खिलाफ अवश्य जाता, लेकिन मैं अरुणाचल प्रदेश से बाहर का हूं, तो मैं हिंदी भाषी सर्किलों के अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाऊंगा। अगर मेरी आवाज में आपने साथ दिया तो काम बन जाएगा, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में टिकट कराने की भी मत सोचना, वरना पैसा खर्च हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, रुकने के लिए भी रूम नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ है, पिछली भर्तियों में भी मुझे पता है क्या हुआ था बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के साथ। ठीक है, इस बार थोड़ा सावधानी पूर्वक आप पहले सोच समझकर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। ये सबसे बड़ी अपडेट थी, अरुणाचल प्रदेश से जिसका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए यह वैड न्यूज है, वैड न्यूज है, वैड न्यूज है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पल पल की अपडेट पाएं और अभी से क्लासेस का साथ दे। इस वीडियो पर कम से कम 2000 बच्चों ने अगर लाइक का बटन दबाया, इस वीडियो पर अगर अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है उन्होंने सब ने कमेंट किया इस वीडियो पर, आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश 60-70-80% पर जीडीएस की नौकरी लेना चाहता है तो आना, आज आना ही पड़ेगा आपको साथ में। आपके राज्य की कट ऑफ कितनी गई है 100%, नॉर्थ ईस्ट की कितनी गई है 60%। जीडीएस की नौकरी चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, छाती ताण कर जा सकते हो अगर आपने हमारा साथ दिया तो। हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको जीडीएस की नौकरी 60% पर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे अगर आप हमारे साथ आओगे तो, नहीं तो जीडीएस की नौकरी को भूल जाओ। आपके राज्य में 100% वाले बच्चे दूसरी धरती से पैदा हो चुके हैं, समझिए मेरी बात। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखता हूं इस वीडियो पर कितना रेस्पॉन्स मिलता है, कितने बच्चे लाइक करते हैं, कितने क्या करते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लाने वाला हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।